उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान हुआ है और बीजेपी वहां जीतेगी। घोसी की जनता ने अपना मत डाल दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जानती है कि घोसी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी वो चुनाव को जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह हो या बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, दोनों ने ही अपने जीतने का दावा किया। कुल मिलाजुलाकर 50.30% लोगों ने वोट दिया, लेकिन अब वोटिंग के बाद घोसी सीट में जीत के दावे बढ़ने लगे। एक और जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये दावा करते नजर आए कि बीजेपी जीत रही है, तो वहीं सपा नेता भी कहते नजर आए कि ये बात तो बीजेपी भली भांति जानती है कि यहां सपा जीत रही है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान हुआ है और बीजेपी वहां जीतेगी। घोसी की जनता ने अपना मत डाल दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जानती है कि घोसी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी वो चुनाव को जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, दिल्ली से शामिल होने वालों ने भी ताकत लगाई, लखनऊ से शामिल होने वालों ने भी ताकत लगाई, लेकिन जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। ये एनडीए और समाजवादी पार्टी की लड़ाई थी, इसमें समाजवादी पार्टी ने एनडीए गठबंधन को हराने का काम किया है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक घोसी में लगभग 4,38,000 मतदाताओं में से 90,000 मुस्लिम, 60,000 दलित और 77 अगड़ी जाति से हैं, जिनमें 45,000 भूमिहार, 16,000 राजपूत और 6,000 ब्राह्मण शामिल हैं। अब 8 सितंबर को ही देखना होगा आखिर जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।